वन एंड सत श्री अकाल एंड नमस्ते आप सभी लोगों को। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के सामने रानीगंज मूवी का रिव्यू। मैं अपने चैनल पर जब भी कोई मूवी का रिव्यू लेकर आती हूँ तो मैं एक आम ऑडियंस के रूप में आप सभी को बताती हूँ कि एक आम ऑडियंस जो मूवी देख के आती है तो उसे कैसा एक्सपीरियंस होता है या वो कैसा फील करती है, मैं वो आपको अपने साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को करिएगा ऑल पे प्रेस। तो बात करते हैं मूवी रानीगंज। रियल स्टोरी पे बेस है ये कहानी। है एक ऐसे सूरवीर सिख की जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगाकर खदान में फंसे हुए 65 लोगों की जान बचाई थी। उनके इस साहस के कारण उन्होंने एक नई कथा लिख दी थी। जी हाँ, और उनके इस साहस के कारण उनको भारत से भारत राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने केवल 65 लोगों की नहीं बल्कि 65 परिवारों की जान बचाई थी। जी हाँ, जब आप किसी की दिल से मदद करते हैं और वो जब कामयाब होती है तो आपको जो खुशी मिलती है ना, वो आपको इस मूवी में देखने को भी मिल रही है। भारत में सबसे पहली जो कोयले की खदान स्टार्ट की गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा स्टार्ट हुई थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोयले की खदानों में हाथ से आए दिन हुआ करते हैं, कभी पानी से, कभी आग से, कभी गैस से। शिव कुमार ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया और बखूबी इस रोल को निभाया है। साथ में उन्होंने जो उनके जो डायलॉग है वो अपने आप में एक मोटिवेशनल डायलॉग है, क्योंकि उनकी कैसे ना कि सिखों का एक जो मिजाज होता है वो हंसमुख टाइप का होता है, तो कहीं कहीं पे उनकी बोली से आपको थोड़ी थोड़ी सी इस चेहरे पे स्माइल भी आने वाली है, क्योंकि इस तरीके से रोल को निभाना और ऐसी कंडीशन में इस तरीके से बोलना एक सिखों के पास ही में ही ये बखूबी होती है। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि वो कभी किसी परिस्थिति से घबराते नहीं है, डट के मुकाबला करते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है और जो उनका दमदार करेक्टर है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है, जो कि काबिले तारीफ है। कि और भी एक्टर्स हैं जैसे रवि किशन, कुमुद मिश्रा, जामिल खान और वीरेंद्र सक्सेना, मतलब ऐसे एक्टर जिनकी हम रियल एक्टिंग की वजह से उनको पसंद करते हैं। मूवी जब आप देखने जाते हैं हॉल में तो मूवी आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मूवी में कहीं कहीं पर आपको इतने इमोशनल सीन्स दिखेंगे, कहीं कहीं पर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको रोना भी आ जाएगा, क्योंकि मूवी के कुछ सीन ऐसे हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ये फील करके देखते हैं कि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं आपको वो रियलाइज़ होती हैं वो चीज़ें जो सामने घट रही हैं। और बड़े पर्दे पे जब आप इसको देखते हैं तो उनका जो एक एक कहते हैं ना कि एक एक जो पल होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम उसके अंदर है। कहीं आपको लगेगा कि मैं जो नीचे खजदूर फंसे मैं उनमें से एक हूँ, कहीं आपको लगेगा जो ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अक्षय कुमार के साथ में, कहीं उनमें से आप एक है। क्योंकि हर पल आपको ऐसे बांध के रखता है कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद क्या होना है। और हर एक सीन जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक सीन जो है ना वो रियलिटी पे बेस्ड है। और सबसे ज़्यादा रेस्क्यू होता है जो होता है अक्षय कुमार के लिए, कि उनके लिए कड़ी चुनौती होती है, क्या वो नीचे फंसे वे लोगों को निकाल पाएंगे या नहीं, वो कितना स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और वो जब भी आप देख पाएंगे जब आप वो मूवी देखने जाएंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये मूवी अगर आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसमें एक साफ़ सुथरी मूवी देखने को मिल रही है। कोई भी गाली नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसे देखने के जिससे आपको सोचना पड़ेगा यार मैं अपनी फैमिली के साथ देखने जाऊं या ना जाऊं। बहुत ही अच्छी मूवी ये है। इसी के साथ में जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो आपको कैसा फील आता है, और एक सेकेंड के लिए भी ये मूवी आपको बोर नहीं करने वाली, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको ये मूवी ऐसी है कि कुर्सी से बांध के रखेगी कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। में इस मूवी में सिखों का जो एक मेन शस्त्र होता है, जिसको हम लोग उनकी पांच चीज़ें होती हैं जिनमें से उनका एक जो होता है वो ये होता है एक कड़ा। इस कड़े का यूज़ किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने किया है वो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, और वो बहुत अमेजिंग सीन है। सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, क्योंकि जब इस कड़े का यूज़ करते हैं ना वो, तो मतलब अपने आप में एक प्राउड सा फील होता है वहाँ पे आपको, किया मैं सिख हूँ और मेरे पास ये चीज़ है, सच बोल रही हूँ। और साथ में आपको एक रियल, जैसे बोलते हैं ना कि जो लोग इतनी मुश्किल से जो ये हमें लाइफ मिलती है ना और उसकी कदर हम नहीं करते हैं, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जब आप अपनों से दूर होते हैं तो उसका जो एक खिंचाव होती है, उसकी जो तड़प होती है वो क्या होती है। तो बहुत अच्छी मूवी है, तो इसलिए मैं इसमें इसको मैं देती हूँ 5 में से 5 स्टार। बिकॉज मैं इसलिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे आजकल आपको मार धाड़ वाली मूवियाँ मिल रही हैं, जहाँ पे आपको एक्शन वाली मूवियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर एक नॉर्मल रियल बेस्ड स्टोरी को
कम ही लोग पसंद करेंगे। बट मेरा कहने का मेरा कहना इतना सा है कि आप जो नकली चीज़ें हैं यार, जो कि कहीं से भी इंस्पायर नहीं, उन चीज़ों को मैं इतना महत्व नहीं देती, क्योंकि वो आप कुछ दिन के लिए मनोरंजन करते हैं और देखते हैं और अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको सच में रियल लगती हैं, जिनको आप लाइफ टाइम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, ऐसी मूवी को मैं 5 में से 5 स्टार देती हूँ। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि किसी 71 लोगों की ज़िंदगी बचा के अपनी दाव पे लगा के बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप जाइए वहाँ पर, आपके मरने के चांसेस हैं 100%, उसमें से 10% केवल चांसेस है कि आप जीवित आ सकते हैं, तो क्या आप सोचिए देखिए आप एक बार भी जाना चाहेंगे? कहाँ पर जाएंगे भाई, केवल हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक नॉर्मल हम लोग केवल सोच सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है आप उनसे पूछिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मूवी को देखने जाएं, क्योंकि हम और आप ही हैं जो इस मूवी को अच्छा बना सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट मूवी में। तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए यार। टेक केयर एंड बाय बाय।